डिफेंस कॉलोनी देहरादून में पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के मेडल प्राप्त लोगों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दिनांक 16 दिसंबर को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की भूमिका हमेशा से ही भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राज्यों से कई अधिक रही है, और जहां प्रदेश के हजारों सैनिकों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वहीं सीएम ने पूर्व सैनिकों द्वारा 16 दिसंबर को अवकाश किए जाने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज विजय दिवस पर अवकाश की बजाय सभी शिक्षण संस्थानों में अपने सैनिकों के बारे में बताएं कि उनका देश की सुरक्षा में कितना योगदान रहा है। वहीं इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। हमको बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को अपने इतिहास से अवगत कराना चाहिए, उनको उसका बोध होना चाहिए कि आखिर आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो किसके खातिर ले रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को कोई भी ऐसे जब महापुरुषों के जन्मदिन होते हैं या हमारे सैनिकों के जो वीर गाथाएं हैं, जो इतिहास हमारे सैनिकों ने रचा है, उसके बारे में उनको बताया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारी जो परंपराएं हैं और हमारा जो विगत है उससे हमको अवगत कराता है। और ये कहा जाता है कि इतिहास ये हमको बुद्धिजीवी बनाता है, और इसे बच्चों को चीजों के बारे में बताया जाना है। एक शहीद स्मारक को लेकर के आप शहीद स्मारक को लेकर के मेरा मैं बहुत दिन से इस खोज में हूँ। मैं कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा हूँ ताकि वहाँ पर हमारे जो सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तमाम वो सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है समय समय पर, उन सबको उसमें डिजिटलाइज किया जा सके, उसके बारे में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको देख सके, उनके बारे में जान सके। कई बार हमारी जनरेशन उससे कट जाती है, और तो उस जनरेशन उससे जुड़ी रहे, उससे उनके मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति का भाव, देशभक्ति का संस्कार तो जगेगा ही, वहीं अपनी सेना के प्रति जो गर्व का भाव होना चाहिए वो गर्व का भाव भी पैदा हो। देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।